जिस तरह से विराट कोहली अपना क्रिकेट में दिखाते हैं उसी तरह से मुझे सिंगिंग में दिखाना है। सो बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे बस इतना पता है मुझे मेरे बच्चों का नाम वर्ल्ड के हर एक बंदे की ज़बान पे चाहिए, वो मैं करके रहूँगा। ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है आपका। सुपर डांसर ने जो बेंचमार्क अपना सेट किया है हमें डेफिनेटली उससे ऊपर ही लेके जाना है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। सो चल रहा है, अंदर अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। मुझे नहीं पता जिन्होंने मुझे कैप्टन चूज़ किया उनके दिल में क्या था, पर इतना ज़रूर पता है कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं उनके लिए जिन्होंने मुझे एज अ कैप्टन चूज़ किया इस शो में, और जिन्होंने किया ना मैं उनको कभी ज़िंदगी में आज तक ना नहीं बोल पाया और ना ही कभी ज़िंदगी में बोल पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे वेल विशर हैं, मेरा हमेशा भला ही चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे एज अ कैप्टन आना है, मैंने हाँ कर दिया। देखिए मुझे सिंगिंग में जो चीज़ें होती ना, जैसे कि एक ट्यूबलाइट बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता ना, हाँ सेम वही चीज़, एक गाना बिना फील के वर्क नहीं कर सकता। एक गाने को वर्क कराने के लिए उसके लिरिक्स, ट्यून, फील, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फील। फील हमारा क्या होता है, फील एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है जो आपके दिल तक पहुंचता है। सो मैं अपने बच्चों में वही इलेक्ट्रिसिटी भरने वाला हूँ, क्योंकि वही चीज़ है जो लोगों के दिल तक टच करेगी और लोगों को मेरे बच्चों का नाम याद रहेगा। मैं यही करता था जब भी मैं बच्चों को स्कूल में भी ट्रेन करता था, बिकॉज मैं पहले भी टीचर रह चुका हूँ, तो मैं बच्चों को इस तरह से ही समझाता था कि उनको इजी वे में समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी होती ना कि बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ सर बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो ट्यूबलाइट नहीं जलता, तो वही बेटा बिना फील के गाने भी नहीं चलते। ये सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे तीन जजेस हैं, हिमेश जी, अलका जी, जावेद भाई, तीनों ही बहुत गुणी हैं। अलका जी और जावेद भाई, हिमेश जी के हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट। अलका जी की जो वॉइस है अलग लेवल है, और अपने जावेद भाई जी की जो वॉइस और उनका जो सेंस है ना म्यूज़िक को लेके अलग लेवल है। मतलब तीनों ही ऐसा, मतलब बोलते हैं ना हिमालय पर्वत जैसे बैठे हैं तीनों, जिनको देख के ही लगता है कि भाई बच्चे अगर अच्छा नहीं गए तो पड़ेगी अपने को। सो एक उनका डर भी है, और दूसरी चीज़ बस मुझे बच्चों को सिखाना है अच्छे से। जो व्यूवर्स देख रहे हैं, पहले तो उन सबको मेरा नमस्ते है, सॉरी लास्ट में नमस्ते बोल रहा हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ आप सबको, जितना प्यार आपने मुझे दिया है उम्मीद करता हूँ कि उतना ही प्यार आप मेरी टीम को देंगे, और आप सबसे एक वादा ज़रूर करूँगा कि जैसा आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया था मैं वैसा ही अपने बच्चों को ट्रेन करूँगा जो आपके दिल को छुएगा।